इस बीच उत्तराखंड में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को उस वक्त झटका लगा है जब अचानक नदियों में उफान आ गया, लेकिन कुछ देर के बाद हालात बेहतर हुए और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। तपोवन में प्रकृति हर घंटे अपना रुख बदल रही है। तपोवन में संकट और संशय साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पानी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। जलस्तर बढ़ने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। ये तस्वीरें तब की हैं जब पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। रेस्क्यू टीम की आस टूट रही थी। ऐसा लगने लगा था कि तबाही फिर मुंह बाए चली आ रही है। अब फिर यहाँ बर्बादी का खेल चलेगा। कल तक जो जमीन सूखी हुई थी वहाँ आज पानी भरने लगा था। अचानक रेस्क्यू रोकना पड़ा। रेस्क्यू सामान को 1 किलोमीटर तक दूर ले जाके रख दिया गया। जवान ऊपर की तरफ भेज दिए गए। रैणी गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। धौली और ऋषिगंगा नदी का जलस्तर अभी भी बढ़ता जा रहा था। SDRF की टीम को भी टनल से बाहर निकाल दिया गया। हम लोग देखा इसमें अगर कंटिन्यू करें हो सकते उसमें से कुछ गिर पड़े, क्योंकि पत्थर तो अनस्टेबल है, उससे हो जाए हमारा जो एक्सेवेटर जाना ना कर रहा है वो नीचे धस जाए, क्या होगा पता नहीं। इसीलिए वी हैव सस्पेंडेड द ड्रिलिंग ऑपरेशन फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन फिर अचानक से पानी का बढ़ना रुक गया तो आस जगी। रेस्क्यू के सामान दूर 1 किलोमीटर रख दिए गए थे, उन्हें वापस टनल के पास लाया गया। रेस्क्यू का काम फिर से शुरू किया गया। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।